दोस्तों इस ट्रैक्टर में भाई साहब ये आता है 650, मॉडल नंबर 650 है। और भाई साहब आइशर का ये पहला ट्रैक्टर है जिसमें आपको टर्बो, इंटरकूलर और डीजल कूलर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं इस ट्रैक्टर की अगर खासियत की, तो इस ट्रैक्टर की सबसे बड़ी जो खासियत है कि भैया आइशर का 485 वाली ताकत निकालनी है तो वो निकाल लो, आइशर के 551 वाली ताकत निकालनी है तो वो निकाल लो, और अगर आपको पूरी 60 HP की पावर चाहिए तो वो निकाल लो। यहाँ पर देखते हो सामने ब्रोशर लगा हुआ है। इस ट्रैक्टर में आपको तीन मोड देखने को मिलते हैं, इको प्लस मोड जो कि 4700 हॉर्स पावर जैसे कि आइशर के 485 में आती है, कि इको मोड जो नॉर्मल आता है वो आता है भाई साहब 52 HP में, वो 52 HP आपकी जो है कि पूरी निकालेगा 551 वाली, और पावर मोड में भाई साहब पूरी 60 HP की पावर निकालेगा जो कि ये सामने मॉडल खड़ा हुआ है। दानव जैसी पावर, दानव जैसा शरीर, तो भैया दानव जैसे काम भी होंगे। ये ट्रैक्टर है भाई साहब आइशर का 650, CRDA इंजन के साथ आता है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन माइक्रो बॉश के कॉमन रेल पंप के साथ आता है ये। यहाँ पे मैं बात करूँ आइशर के ट्रैक्टर में, मुझे सबसे जो खास बात लगी CRDI में, नॉर्मली अगर अपन बात करें तो भाई साहब सारी चीज़ों की बात है सब यूट्यूबर करते हैं, पर अपन थोड़ी सी अलग डिफरेंट बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन बात करें वायरिंग की, तो CRDI की सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है वायरिंग। और यहाँ पर देखो आपको जो कपड़ा दिया गया है ये पॉलीकार्बोनेट वाला कपड़ा दिया गया है, मतलब कि इसमें आप प्रॉपर आग भी लगाओगे ना तो भी आग प्रॉपर नहीं पकड़ेगा ये कभी भी किसी भी टाइम। और ये वायरिंग को इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है ताकि कभी भी आपकी जो वायरिंग है हीट हो तो पहले तो वायरिंग आग जो है कि बाहर ना फैले, और अगर बाहर से अगर लग रही है तो वायरिंग में आग वहाँ तक ना पहुँच पाए। साथ में यहाँ पर अपन बात करें इस ट्रैक्टर में आपको टर्बो, इंटरकूलर और डीजल कूलर भी देखने को मिलता है, जो कि हमने देखा है ग्रीन कलर के एक ट्रैक्टर में ऐसा सिस्टम आता है। साथ में यहाँ पे आपको TMTL का आपको गो टू होम लाइट फीचर भी देखने को मिल जाता है। सबसे जो शानदार चीज़ है वो है भैया जो ग्रीन कलर के ट्रैक्टर वाली कंपनी है वो अपने ट्रैक्टर में कुछ नहीं देती, मतलब आगे ना तो वेट देगी ना पीछे वेट देगी, ना तो आपको कैनोपी देखने को मिलती है, और अगर कैनोपी चाहिए है तो उसके लिए अलग से पैसे दो। तो यहाँ पर जो कंपनी ने दिया है कैनोपी तो नहीं दी, पर भैया वेट पूरा कंप्लीट करके दिया है ट्रैक्टर में। और अगर आपके पास फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो कम से कम आगे 2 क्विंटल का वेट या फिर कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल का वेट तो आप लगा के रखो, डैम श्योर 100% आपकी डीजल की बचत होने वाली है। यहाँ पर कंपनी ने 17 किलो की एक प्लेट दी हुई है, इस तरीके की आपको 6 प्लेट देखने को मिल जाती हैं। साथ में पीछे भी आपको एक 50 किलो की वेट्स दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 50 किलो की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, आइशर का ही वेट दिया गया है, मतलब 1 क्विंटल का वेट आपको जो कि पीछे लटका के दिया गया है ट्रैक्टर के, ताकि ट्रैक्टर का जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो प्रॉपर आपका बना रहे, जमीन से पकड़ जो है वो प्रॉपर बना के चले। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो इंजन है वो आपको 3300 CC का इंजन देखने को मिलता है, 3.3 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा जो कि पावर प्रोड्यूस करता है पूरी 60 हॉर्स पावर की। और अगर मैं बात करूँ टॉर्क की तो ये पावर टॉर्क प्रोड्यूस करता है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। साथ में टर्बो वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है कि 25 नंबर की टैल कंपनी की टर्बो देखने को मिल जाती है, जो कि आम आपने देखा होगा, आपने टाटा के ट्रक्स में ये टर्बो देखी होगी, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ में जो किसान भी बोल रहे थे कि भाई टाटा के ट्रैक्टर तो नहीं बनते भैया, लेकिन टाटा के ट्रैक्टर का पार्ट्स ज़रूर आता है, और यहाँ पर देखते हो टाटा का जो भी पार्ट्स है, इंटरकूलर है वो यहाँ पर लगा के दिया गया है। साथ में रेडिएटर की क्लीनिंग के लिए भी प्रॉपर आपको जाली देखने को मिलती है। आगे 9524 का टायर देखने को मिलेगा, प्लेनेटरी फ्रंट एक्सल देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पर जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ दी गई है इस ट्रैक्टर की, आपका जो फ्यूल सिस्टम है उसमें किस तरीके का फ्यूल यूज़ करना है वो बताया गया है। आइशर कंपनी यहाँ पर आपको 10 PPM का आपको यहाँ पर डीजल फ्यूल देती है, जो कि अल्ट्रा लो सल्फर डीजल आपको यूज़ करने वाला है, और भाई साहब ये 10 PPM वाला डीजल यूज़ होता है, जो कि आज की डेट में अभी सिर्फ कुछ ही कंपनियाँ बना पा रही हैं, जैसे कि रिलायंस और जियो, इस तरीके की कंपनियाँ जो है अपने डीजल में लो सल्फर यूज़ करती हैं। तो अगर उस तरीके का डीजल आप अगर 500 घंटे भी यूज़ कर लें तो आपका ट्रैक्टर रम जाएगा प्रॉपर तरीके से जो है कि यूज़ होगा। बाकी कंपनी की रिकमेंडेशन तो ये है कि आप इसको लाइफ टाइम उसी डीजल पर ही चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, पर किसान है भाई साहब, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, इंसान है, इंसान से गलतियाँ हमेशा होती रहती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर
आपको यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है, ये यहाँ पर हमने वायरिंग के ऊपर अगर पढ़ें तो भाई साहब ये है EGR वेल्व और पोजीशन सेंसर। EGR कब खुलना है, कितना खुलना है, किस तरीके की उसकी पोजीशन रहने वाली है, उसके लिए यहाँ पे आपको पद्मनी का आपको यहाँ पर प्रॉपर सेट दिया गया है ताकि EGR को इलेक्ट्रॉनिकली ओपन किया जा सके, मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिकली टोटल, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, ये आपका EGR दिया गया है। यहाँ पर आपको जो है कि एक चीज़ और अच्छी दी गई है, ये CIDA ट्रैक्टर है तो कभी ना कभी इसके डीजल का जो टेम्परेचर है, बड़ी गर्मी में चलाओगे तो डीजल का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके टेम्परेचर भी भाई साहब आपका जो ये आपका सिस्टम है, आपका जो मेन रिले सिस्टम है उसमें जाता है सेंसर में कि आपके फ्यूल का टेम्परेचर क्या है। यहाँ पर आपको वायरिंग भी दी गई है, यहाँ पर सेंसर भी दिया गया है, तो वो चीज़ काफ़ी जो है कि सराहने काबिल तारीफ चीज़ जो है यहाँ पर बनाई गई है। साथ में यहाँ पर अपन बात करें प्लेटफॉर्म वगैरह की, तो फ्लैट प्लेटफॉर्म 98% फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, साइड शिफ्ट गियरबॉक्स बाकी सारी चीज़ें। साथ में यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पर ECM जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर लगाया गया है, उसको कूलिंग करने के लिए भी फिंस बनाए गए हैं, ये देख सकते हो, ताकि आपका ECM जो कि लंबे समय तक ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है तो वो ठंडा हो सके। साथ में सिटिंग पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर एर्गोनॉमिक्स हमको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ऑन द रीच है आपके, मतलब किसी भी तरीके को ऐसा नहीं है कि यार थोड़ी सी दूर पड़ रही है, ये एर्गोनॉमिकली जो बंदा बैठता है उस हिसाब से आपका जो ट्रैक्टर है उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे गियर पोजीशन वगैरह की मैं बात करूँ तो प्रॉपर है। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो आपको जो पावर मोड्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, इको प्लस, इको और पावर, ये तीन आपको मोड जो है कि यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो है कि गो टू होम लाइट फीचर भी देखने को मिल जाता है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो जब तक आप घर नहीं पहुंचोगे तब तक ट्रैक्टर लाइट बंद नहीं करेगा, सिर्फ एक मिनट के आसपास का जो टाइम है वो टाइमर लगाया गया है उसमें, एक मिनट के बाद लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। साथ में यहाँ पर ऑक्सिलरी वेल्व देखने को मिल जाता है, PCDC लीवर देखने को मिल जाएंगे, 2200 किलोग्राम की आपको लगभग लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। साथ में इस ट्रैक्टर में आपको जो PTO की जो हॉर्स पावर है वो 53 HP की दी गई है, यहाँ देख सकते हो भाई साहब, ये 53 HP की जो आपको यहाँ पर PTO पावर है वो निकाल के देने वाला है। नॉर्मली आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर का ट्रैक्टर आता है और एक आता है भैया महिंद्रा का 605, इंडियन कंपनी है तो उसके बारे में अपन कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि भारत का देश है, भारत देश है तो भाई साहब फ्री राइट है अपने को बोलने का। तो उसमें अपन बात करें तो वो भी 60 HP के अंदर 51 HP की PTO पावर देता है, पर यहाँ पर भाई साहब 60 HP की जो ट्रैक्टर है वो आपको 53 HP की जो कि PTO निकाल के देने वाला है। और साथ में सॉरी मैं चूक गया, जो महिंद्रा का 605 है CIDI 60 हॉर्स पावर का वो आपको 51 HP की PTO निकाल के देता है। और अपन बात करें यहाँ पर टायर ऑप्शन की तो आपको 9/5/24 का टायर देखने को मिलता है, पीछे 16/28 का टायर देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर जो स्ट्रॉ रीपर के किसान हैं प्रॉपर, उनके लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डाबर पट्टी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हो, ये डाबर पट्टी सिर्फ स्ट्रॉ रीपर के किसानों के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है, जिसमें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पुटिंग दी जाती है ताकि आपकी स्ट्रॉ रीपर में झूले ना लगे, झटके ना लगे और वो काफ़ी हाइट तक उठ सके। साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ पिछला हिस्सा पूरा 557 वाला दिया गया है, क्योंकि भाई साहब वो 557 में भी वही मजबूती है जो कि 650 में देखने को मिल जाती है। साथ में यहाँ पे अपन बात करें, कंपनी ने यहाँ पे आपको डुअल ग्रीसिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिससे आपके ट्रैक्टर का बेयरिंग लंबे समय तक चल सके। और इसकी अपन सर्विस की बात करें तो भाई साहब इसमें सर्विस में आपको लगभग हर 50 से 100 घंटे के बीच में आपको जो कि एक बार ग्रीस जो कि मारना ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ आप जो कि मेंटेनेंस अपने ट्रैक्टर की अपने आप भी कर सकते हो और अगर आप करवाना चाहें तो करवा भी सकते हो, बाकी आपके ऊपर है जो चीज़ करना है आपको वो आपके ऊपर है। साथ में यहाँ पर डीजल की तो बात मैंने आपको बता ही दी है। तो भैया ये वीडियो आपको कैसा लगा, महिंद्रा के 650 आइशर के 650 के बारे में वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान, जय किसान।